हूँ और आप सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आज निफ्टी ने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है और नीचे से निफ्टी ने रिकवरी दिया काफी अच्छा, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी निफ्टी ने दिया, लेकिन ऊपर से भी निफ्टी 70 गिर करके बंद हुई और निफ्टी का जो पुराना रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है 22,400 के ऊपर। जब तक निफ्टी नहीं निकलती है तब तक इसमें कोई फ्रेश लेवल नहीं बनेगी। कल हो सकता है निफ्टी में एक फ्रेश तेजी बन सकती है, क्योंकि नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों पॉजिटिव हैं, बन सकती है। बनेगी कि नहीं बनेगी वो कल ही मालूम चलेगा। और बैंक निफ्टी भी देख लिया जाता है एक बार। बैंक निफ्टी अभी 48,000 के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब 48,000 उसका एक सपोर्ट है, अरे रेजिस्टेंस है। जब तक 48,000 के ऊपर नहीं निकलता है बैंक निफ्टी तब तक इसमें कोई फ्रेश तेजी नहीं आएगी। और ये आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, हाँ बैंक निफ्टी का सपोर्ट 47,000, रेजिस्टेंस 48,000 और शॉर्ट टर्म के लिए माने तो 47,500 सपोर्ट, 48,000 रेजिस्टेंस। मिड कैप निफ्टी कैप ने भी नीचे से काफी अच्छा रिकवरी दिया हुआ है, लेकिन वो भी एक अपने मेजर रेजिस्टेंस 49,400 के इर्द गिर्द ही अभी फंसा हुआ है। जब तक 49,400 का लेवल मिड कैप नहीं क्रॉस करेगा तब तक इसमें भी कोई फ्रेश तेजी नहीं आएगी। आईटी सेक्टर में आज थोड़ा सा दबाव रहा, खास तौर से मिड कैप आईटी परसिस्टेंट सिस्टम 10% से ऊपर टूट गया। टूटा तो था लगभग 15%, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी आई जिसकी वजह से कुछ संभला, लगभग लोअर सर्किट के करीब पहुंच गया था 18-19% के करीब। और यदि टॉप लेवल से देखा जाए तो अभी तक 40-80 लगभग 20% से ऊपर टूट चुका है निफ्टी, मतलब लगभग 30% मान सकते हैं आप। और ह्यूज कैंडल के साथ परसिस्टेंट सिस्टम में गिरावट आई, गिरावट का कारण संभवतः लग रहा है रिजल्ट कुछ इनलाइन आए होंगे और क्या।
हाँ, तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस टाइम। जितने भी मिड कैप आईटीज हैं उनमें तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा मिड कैप आईटी दबाव में है। इन्फोसिस नीचे से लगभग 50 रुपये सुधर चुका है, नहीं तो हालत तो बहुत पतली इन्फोसिस की भी थी, बट अभी फिलहाल कुछ टाइम से इन्फोसिस ठीक है। ऑइनॉक्स इंडिया में भी कल हो सकता है कुछ बड़ा देखने को मिले। कंसीडर टू बोनस शेयर इशू करने वाली है, संभावित है कंपनी, तो थोड़ा इसे भी आप लोग रडार पे रखिए। ऑइनॉक्स इंडिया हाँ, नमस्कार प्रमोद सैनी जी, कैसे हैं? अब बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन शेयर रिलायंस के बारे में। रिलायंस कंपनी का आज रिजल्ट आया जो कि काफी बेहतरीन रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रहा। हाँ देव पांडे जी, हाय आपको भी। मतलब जितना उम्मीद लगाया गया था उससे काफी बेटर रिजल्ट इंफोसिस, अरे क्या कहते हैं, रिलायंस ने आज पोस्ट किए, सेल्स के भी आधार पे और प्रॉफिट के भी आधार पे। और 10 रुपए का लगभग रिलायंस ने, हाँ देव देवेंद्र पाठक जी आपको भी है, और 10 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। अब कल इसके शेयर पे कुछ ना कुछ तो हरकतें दिखेंगी भाई, इतना अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी है पे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और रिलायंस कंपनी अच्छी है, कभी कदा भाई कोई भी कंपनियों का रिजल्ट थोड़ा बड़ा खराब हो सकता है, लेकिन मोटी मोटा देखा जाए तो कंपनी अच्छी है और बेटर परफॉर्म भी कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इन सब शेयरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। रिलायंस का चार्ट कल तो लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ धमाका होगा, वो तो तय है, और चार्ट भी बता रहा और रिजल्ट भी अच्छा है, तो ये 3,000 के ऊपर रिलायंस निकलता है तो स्विंग ट्रेड के लिए रिलायंस, जिन्हें स्विंग ट्रेड करना है वो लोग रिलायंस में कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग के हिसाब से तो है ही, तो कभी कभी बड़े शेयरों में भी स्विंग ट्रेड किया जाता है अच्छे शेयरों में। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्विंग ट्रेड बने, तो इस टाइम रिलायंस में आप लोग कम समय के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। 100 से 150 रुपये, 200 रुपये तक का मूव रिलायंस दे सकता है शॉर्ट टर्म में, तो जिन्हें बाई करना है वो लोग रिलायंस को करेंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी रखेंगे अपना 2,850 रुपए का। 2,850 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को करेंट लेवल पे आप लोग बाई कर सकते हैं
शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रतिदिन बाई है, रिलायंस के बारे में पूछना ही नहीं है, आराम आराम से बाई करते रहिए, छोड़ते रहिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आप लोग नीचे डाल दीजिए, मैं धीरे धीरे सबके क्वेरीज को लेता रहूंगा। यूपीएल, नहीं नहीं यूपीएल को कोई बाई नहीं करना है, यूपीएल को बाई करना ही नहीं है 600 के पहले। जब तक यूपीएल 600 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक यूपीएल को बाई नहीं करना है, क्योंकि इस समय केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। मतलब आप कुछ भी करेंगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, चैनल को लाइक वाइक कर दीजिए, 8 लोग देख रहे हैं, 3 लाइक है। आप लोग के लाइक कम करने की वजह से चैनल का रीच डाउन हो गया है। हाँ मैं बता रहा हूँ, और जो जो लोग नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और पुराने लोग लाइक कर दें, संख्या बढ़ाएं लाइक की और शेयर वेयर करते रहें। तो यूपीएल को बिल्कुल बाई नहीं करना है, यूपीएल का रिजल्ट भी खराब आ रहा है और चार्ट पे भी यूपीएल खराब है, इसलिए भूल करके भी यूपीएल बाई ना करें। मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो लोग लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, साफ साफ यह प्रदर्शित हो रहा है, 3 लोग, और नए लोग कम से कम सब्सक्राइब भी कर दें। अपोलो टायर के बारे में अपडेशन दिया गया था, बताया गया था, लेकिन लग रहा है आप लोग ध्यान नहीं दिए। जब तक यह 490 के ऊपर नहीं निकलेगा, देखिए यह भी बताया गया था कि 490 के ऊपर जाने से मतलब नहीं है कि 1-2 मिनट के लिए गया फिर नीचे लोढ़ गया, नहीं, क्लोजिंग होनी चाहिए। सभी की क्वारी मैं ले लूंगा, घबराए ना। जब तक 490 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक अपोलो टायर में बाई नहीं है। हाँ हाय राहुल नाथ जी, आपको भी नमस्कार, आपको भी रवि सिंह जी। तो वेट करें, देखिए धैर्य रखना सबसे बड़ा फायदेमंद चीज होता है, और घबरा करके आप सोचेंगे कि बस तुरंत आप आए, कल ही दिया गया आज फट जाए, तो ऐसा जीप कभी कभी होगा, रोज ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ उस पे दिमाग लगाए रहिए, निगाह गड़ाए रखिए अपनी, जो ही मौका मिलता है झपट्टा मार के बैठिए, और ये भी ध्यान रखिए कि प्रॉफिट होने के बाद फिर लालच में मत पड़िए। 2 टारगेट रहेंगे, 520 540, उसके बाद 550 के ऊपर देखा जाएगा। फिर चैनल को लाइक वाइक करते रहिए, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाइए, और नए लोग जो हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपोलो टायर 490 के बाद ही बाई करना है, उसके पहले छूना नहीं है, देखना है केवल। अपोलो माइक्रो सिस्टम, अच्छा अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या है भैया आपका, बाई है, होल्ड है, या फिर न्यू बाइंग करना है, बताइए। राम अवतार जी, आप चैनल पे नए हैं कि पुराने? हाँ मैं बता रहा हूँ, सभी की क्वारी मैं ले लूंगा, घबराए ना आप लोग। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। राम अवतार जी आप बताइए, आपको ये नया बाई करना है या आपके पास पहले से है? अच्छा होल्ड, अच्छा आप न्यू है, आपने चैनल को लाइक वाइक किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया है तो आपसे भी कर दीजिए, और होल्ड करना है तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। बाइंग प्राइस बताइए अपनी। थोड़ा महंगा शेयर है अपोलो माइक्रो का, अपोलो माइक्रो थोड़ा महंगा शेयर है, सावधानी के साथ रखिएगा, अपोलो माइक्रो महंगा शेयर है, सावधान रहिएगा इसमें। यदि बहुत नीचे के लेवल का है तो अपनी पोजीशन थोड़ी काट लीजिए, आपको तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। राम अवतार जी, आपको यदि नीचे के लेवल का है
112 का, मतलब अभी इधर भी खरीदे हैं क्या आप? इधर भी इसे बाई किए हैं? ओके, यही देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कतें यही होती हैं, बट अब आप जुड़े हैं, अब निरंतर जुड़े रहेंगे तो कुछ चीजें आपको थोड़ा डिफरेंट तो मिलेंगी ही। तो ये चीजें ध्यान रखा करिए कि बाई जब करना हो तो सबसे अहम चीज यह मायने रखता है कि पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर चुकी है, कैसा करने वाली है। आपने जो बाई किया है ना, ये थोड़ा वेट करना होगा आपको 120 के लेवल का। 120 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कि 120 के लेवल से ये फिर से नीचे आ जाए। तो थोड़ा रिस्क है क्योंकि रिजल्ट इसका आने वाला है और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर यदि देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा आता है तो इसमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा 120 के लेवल पे। यदि 120 का लेवल यह डिसाइसिव रूप से क्रॉस करता है तब तो आपके लिए फायदा ही फायदा है, लेकिन यदि नहीं करता है तो थोड़ा आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, कोई समस्या होगी तो उसे आप फिर से पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 9 से 3:30 बजे तक टेलीग्राम ही काम आएगा। आपको पैसा वैसा नहीं देना, ये मत सोचिए कि वहाँ आपको बुलाया जाएगा तो आपसे कोई प्लान एक्टिवेट कराया जाएगा। प्लान व्लान आपको नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एक साइड। और हाँ, सभी लोग चैनल को लाइक वाइक करते रहें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। एक साइड बिल्कुल बने रहिए, जिनके पास है होल्ड करें, नई बाइंग अभी मत करिए। एक्साइड जिनके पास है वो लोग होल्ड करेंगे और जिनके पास नहीं है वो लोग अब बाई नहीं करेंगे। जब होल्ड करने के लिए कहा जा रहा था तो कुछ लोग बेच दिए थे 280 रुपए के लेवल पे, कहा गया था खरीदने के लिए कि जब यह 200-300 से नीचे जाता है तब आप बाई करिएगा। तब उस टाइम पे काफी लोगों को डर लग रहा था, ये वाला लेवल जब था उस टाइम पे कुछ लोग बेच रहे थे, घबरा रहे थे, सर एक्साइड में क्या करें, सर एक्साइड में क्या करें। अब आज भाग गया तब एक्साइड में, अब फिर क्या करें, मतलब दोनों हालत में टेंशन ही टेंशन है। ऊपर जा रहा है तब क्या करें, नीचे आ रहा है तब क्या करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो सुनना ही नहीं है। अब बाई करने का लेवल एक्साइड में नहीं है, अब बाई करने का लेवल आएगा जब ये 400 से 350 के बीच में आएगा तब। उसके पहले एक्साइड को छूना नहीं, नहीं तो फंस जाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर, इसमें भी नई एंट्री नहीं करनी है हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर में भी नई एंट्री नहीं करनी है, या तो 400 के ऊपर निकले या 330 के लगभग आए तब, उसके पहले कोई नई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। न्यू बाइंग की टेलीग्राम और मार्केट गुरु 9918 डालिए और चैनल के बायो में भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया। ये देखिए टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे, इसकी सहायता से टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे आप। फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। और मार्केट गुरु 9918 डालेंगे तब भी आ जाएगा। और आप लोग लाइक वाइक करते रहिए भाई, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक का बटन दबा दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। हिंदुस्तान कॉपर में भी कुछ नहीं करना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को धीरे धीरे बाई करना है।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को धीरे धीरे बाई करना है 430 के लेवल को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है कि 430 का लेवल क्रॉस करने में इसे परेशानी आए, इसलिए मैं कह रहा हूं धीरे धीरे बाई करिएगा। बाई अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा शेयर है, लेकिन 430 का लेवल हो सकता है कि इसे परेशान करे, तो पूरी बाइंग अभी कंप्लीट मत करिएगा। 430 के बाद पूरी बाइंग कंप्लीट करिएगा, अभी थोड़ी थोड़ी बाइंग करिए, घबरा करके नहीं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आराम आराम से स्लोली बाइंग करिए। लाइक का बटन आप लोग बिल्कुल नहीं दबा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा लाइक, क्या मैं कहूं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर दिया गया है और चैनल के बायो में, उसकी सहायता से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क है। हाँ, ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे नहीं बताया जाएगा, यह बातें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कोई बाई नहीं है, कौन पूछ रहा, देवेंद्र ठाकुर। 520 का लेवल याद कर लीजिए, 520 के लेवल के बाद ही बाई करना है हिंदुस्तान पेट्रो को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम चाहे पेट्रो जो भी हो, 520 के बाद, 520 के पहले कोई बाइंग नहीं है। आप 465 पे बाई कर लिए हैं एक्साइड, क्यों बाई किया आपने 465 पे, थोड़ा सा इसका कारण बताइए। कौन है ये, प्रमोद सैनी, 465 पे आपने एक्साइड को क्यों बाई किया। आवाज जा रही है कि नहीं, अच्छा वो फ्रेंड ले लिया तो आपने भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड बेच देगा तो आप भी बेच दीजिएगा, फ्रेंड को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होना चाहिए, ये कोई तर्क नहीं हुआ, इसको थोड़ा सुधारिए। और नहीं तो ऐसे में दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, जब शेयर भागने वाला होता है तब उसमें बैठा जाता है, भाग चुका हो या भाग रहा हो तब थोड़ा रिस्क एंड रिवार्ड बढ़ जाते हैं, ट्रैप होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी। मान लीजिए कहीं यहीं से रिटर्न हो गया, तब तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों, वही तो बात है, 310 पे, वही तो मैं अभी से कुछ मिनट पहले कहा था। अच्छा, आप सुमित कुमार, ओके ओके ओके, सॉरी, कुछ मिनट पहले मैंने यही कहा था कि मैं पिछले 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले ये बोल रहा था कि अब एक्साइड को खरीद लीजिए या रखे रहिए, बेचिए मत। तो सारे लोग निकल रहे थे, सर गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब भाग गया, अब सारे लोग लेना चाहते हैं एक्साइड को, ये गलत चीजें हैं। जब समय रहता है तब बाई किया जाता है, समय बीतने के बाद बाई करेंगे ना तो नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, फायदे की संभावनाएं उतनी ही कम रहेंगी। अमराजा बैटरी, ओके, मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 520 का लेवल याद रख लीजिएगा, 520 के पहले बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। हाँ, लाइक वाइक का बटन दबाते रहिए आप लोग, लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एकदम साफ।
अमर राजा बैटरी। थोड़ा वेट करिए अमर राजा बैटरी के नीचे आने का, अमर राजा बैटरी का थोड़ा नीचे करिए वेट, अभी मत करिए भाई। अब ये तो कार्तिकेय भैया आप जानते होंगे। शशांक कुमार जी चैनल को लाइक वाइक किए हैं? नहीं, लाइक नहीं किए तो लाइक वाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी लोग लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो जो लोग नहीं किए हैं। और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, 9 से 3:30 बजे तक टेलीग्राम ही आप लोगों के काम आएगा। ऐसे ही गलत ट्रेड लेने से बचेंगे, पैसा नहीं देना है उसका, तो वो फायदा आपके लिए काफी मायने रखेगा। SBIN, हाँ SBIN में फ्रेश बाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग के बिहाब से नहीं, इन्वेस्टिंग के बिहाब से बिल्कुल SBIN में बाई करिए, अच्छा शेयर है। हाँ लेकिन अमर राजा बैटरी में नहीं, अमर राजा बैटरी में अभी बाई नहीं करना है, अच्छा शेयर है बट अभी नहीं। अनाप शनाप भागने वाले शेयरों में तुरंत एंट्री नहीं ली जाती है, वेट एंड वॉच, नहीं आएगा नहीं लेंगे, दूसरा शेयर देखेंगे, तीसरा देखेंगे। कोई आपके घर का शेयर तो है नहीं कि नहीं लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि आप प्रमोटर ग्रुप से हट गए। तो प्लीज पेशेंस रखिए, जब लेने का समय रहता है तो डर लगता है, जब लेने का समय बीत जाता है तो सभी लोग लेना चाहते हैं। मार्केट गुरु 9918 और चैनल के बायो में मेरा यही टेलीग्राम चैनल है। हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे नहीं मिलेगा वहां पे, और सारी चीजें मिलेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, अन्य समस्त सुविधाएं मिलेंगी, ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे नहीं मिलेगा। हाँ सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, लॉस कम कैसे करना है यह मिलेगा, लेकिन अरबपति बनने का फार्मूला मेरे पास नहीं है। देखिए जो बात है भाई बता दिया, मैं झूठ आप लोगों से क्यों बोलूं, ये मेरा देखिए मूल धंधा नहीं है, मैं दूसरा कार्य करता हूं, ये मेरा शौक है, स्टडी है, बस इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। और ऑप्शन फ्यूचर से दूर होने के लिए क्या करना है ये मैं बताता हूं, करना कैसे ये मुझे जानकारी ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं। केन्स टेक्नोलॉजी जिनके पास है होल्ड करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग अभी बाई नहीं करेंगे। अच्छा आपके पास 2300 के लेवल से तब आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस समय मिड कैप शेयर जो हैं वो थोड़े दबाव में हैं, तो आप परेशान होकर के बेच मत दीजिएगा, गिर सकता है शेयर यहां से 10-5%। थोड़ा महंगा शेयर जरूर है, मतलब जैसे इसकी वैल्यूएशन महंगी है, बट शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, सेल्स अच्छा कर रही है, तो डरिएगा मत। यही देखिए आपको अपने अंदर सुधार लाना है, शशांक कुमार जी यही आपको अपने अंदर विकसित करना है कि डरना उस शेयरों से जो कचड़े शेयर है, सुजलॉन जैसे शेयरों से, यस बैंक जैसे शेयरों से, नायका जैसे शेयरों से डरना है। अब केन्स टेक्नोलॉजी से डरिए मत, बस सावधान रहिए, घबराइए मत, और एक बार में बाइंग मत करिए। देखिए यही मैं समझाता हूं लोगों को, एक बार में बाइंग मत करिए, मत करिए, मत करिए, चुनाव बीत जाने दीजिए, अभी यह साल चुनाव का है, इस समय थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा नीचे लीजिए, ऊपर यदि प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, धैर्य के साथ, घबराइए मत, जरूर आपका समय आएगा। हाँ लेकिन परेशान मत हो, यहाँ कोई भी दिक्कतें होती है आप एक बार नहीं 20 बार पूछिए, लेकिन जो बताया जाता है उसे थोड़ा मानिए भी। हाँ मैं देखिए ट्रेडिंग रेडिंग उल्टा सीधा मैं नहीं कराता हूं, तो उसके लिए सॉरी। ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे से सपने में भी दूरी बना करके रखिए, नहीं तो जितना कमाएंगे उसका सीधे 10 से 100 गुना ज्यादा गंवा बैठेंगे। आगे मैं मोतीलाल ओसवाल वाले इतना गलत ट्रेड क्यों कराते हैं,
कार्तिकेय भैया ये तो आप जानते होंगे मोतीलाल ओसवाल के बारे में, अब मैं क्या बताऊं। फॉस्को इंडिया, तो आप केन्स टेक्नोलॉजी में शांति के साथ बने रहिए, डबल होगा, अरे डबल सॉरी मुंह से निकल गया, उसके लिए सॉरी, अच्छा रिटर्न देगा आपको। फॉस्को इंडिया, फॉस्को इंडिया में अभी एंट्री मत लीजिएगा, और यदि नीचे की एंट्री है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी काफी महंगी हो चुकी है और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा है। ये केन्स टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में फॉस्को इंडिया कमजोर शेयर है। राम राम गौरव भैया, कैसे हैं आप? वो दुबई देंगे, मोतीलाल ओसवाल की टीम दुबई देगी ऐसे ही आपको, बार बार मैं कहता हूं आप लोग समझते नहीं हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। और क्या दिक्कतें हैं आपको कार्तिकेय जी, बताइए क्या दिक्कत हुआ है, किस चीज में आपको दिक्कत हुआ है बता दीजिए, बिल्कुल डरिए मत और लजाइए मत, यहाँ कोई शादीवादी का प्रस्ताव थोड़ी है कि आप लजा रहे हैं, बिल्कुल लजाइए मत और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें बताइए। हाँ क्वायरी आप लोग डालते रहिएगा, मैं वन बाई वन सभी की क्वायरी में ले लूंगा, कोई परेशान नहीं होगा। अरे मैं सही नहीं कर रहा था गौरव भैया, भगवान सही थे कि गिर गया, नहीं नहीं गिरता तो आप तो यहीं आके कहते कि गलत कह रहा था मैं। फिलहाल गैस सेक्टर का समय अच्छा नहीं है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ा दूरी बनाकर के रहिए, नहीं तो फंसेंगे बहुत बेतुके तरीके से काफी लंबे समय के लिए। बाकी आप लोगों का मन जो करे, हाँ हाँ ठीक है सुमित कुमार जी, थोड़ा सेल कर दिए, पैसा आपके पास है उसे होल्ड रखिए। हाँ तो FCS सॉफ्टवेयर, कार्तिकेय भैया बुरा मत मानिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, या तो आप मार्केट में बिल्कुल एक दो तीन महीने बाई सेल करना बंद कर दीजिए, या फिर शेयर खरीदने से पहले एक बार पूछ लिया करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए उससे मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए चैनल को, वो अलग बातें हैं, पूछ लिया करिए, कम से कम आपका पैसा नहीं डूबेगा तो बाद में आकर के धन्यवाद जरूर देंगे। तो ये FCS सॉफ्टवेयर जो बता रहे हैं ना, इसमें कम कई लोगों का कई करोड़ डूब चुका है, मतलब कचड़े शेयर को आप लोग बाई करते हैं और फिर कहेंगे कि क्या मैं कहूं, मतलब कहना ही सब निरर्थक है। ये शेयर है आपका, ये परमानेंट सर्किट में घूम रहा है, ये देखिए ये ट्रैप वाला शेयर है, ये परमानेंटली, मैं इसका भी चार्ट आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हाल है FCS सॉफ्टवेयर का, ये हाल, अभी मैं इसका फंडामेंटल भी आपको दिखाऊंगा, घबराइए मत, वन मिनट। ये देखिए कंपनी लगातार 2013 से केवल माइनस में रिटर्न, मतलब प्रॉफिट कमा रही है माइनस में, ऋणात्मक प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के पास, सेल्स निरंतर डाउन है, प्रॉफिट नहीं है,
प्रमोटर अपना हिस्सा बेच दिया है, केवल पब्लिक इसमें कूद करके बाई कर रही है। ऐसे शेयर को बाई करने से पहले दो चार बार अपने आराध्य देव का नाम ले लिया करिए, बच जाएंगे। अब मैं क्या कहूं, निकल जाइए इससे। इंट्राडे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर ये तीनों में नहीं बताता हूं। इन तीनों से दूर हो जाइए। यदि अपना जीवन और अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी से, आज से ही एक प्रण कर लीजिए कि भले से कम कमाएंगे लेकिन ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे के पास कभी नहीं जाएंगे, अन्यथा जीवन भर नुकसान करेंगे। उसको मैं नहीं, कोई नहीं रोक सकता है, बाकी आपकी आगे मर्जी। पैसा बहुत मेहनत से आता है कार्तिकेय भैया, और आप कमाते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, चाहे बिजनेस करते हो चाहे नौकरी, कितना मशक्कत के बाद पैसा मिलता है। और शेयर मार्केट में कमाना उतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जाता है। यहाँ कंपनियां आपको केवल तीन ही रूप में पैसा देती हैं, या तो डिविडेंड के रूप में, या तो बोनस के रूप में, या तो स्प्लिट के रूप में। बाकी कंपनियां आपको कमाई पे अपना बस वही डिविडेंड देंगी, रिटर्न कंपनियां जनरेट करके आपको नहीं देती है। कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है तो निवेशक उस पर अट्रैक्ट होते हैं, और आप नीचे के लेवल से खरीदे होते हैं तो कोई ऊपर के लेवल के खरीदने वाला व्यक्ति मिलता है, फिर आपका शेयर का दाम बढ़ता है। और ये कोई फार्मूला नहीं है। और FCS सॉफ्टवेयर में आप पहले व्यक्ति नहीं है मेरे चैनल पे, पुराने वीडियोस को थोड़ा जाकर के देख लीजिएगा, कम से कम 10 लोग ऐसे आए जो कि FCS सॉफ्टवेयर से निकलने का उनको मौका नहीं मिला। सहयोग से कुकिंग शो जी आज है नहीं, उनका 1,00,000 रुपए डूब गया इसी में, आपका तो 20,000 डूबा, मतलब आप कुछ ना कुछ पूर्ण किए रहे होंगे। थोड़ा मुझे टाइटली बोलना पड़ जाता है इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, आपकी भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। दूर हो जाइए ऐसे शेयरों से। और कोई दिक्कतें हो 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं आप लोगों से पैसा लूंगा ही नहीं, मेरा ये धंधा नहीं है। हाँ, मुझे आप लोग निगेटिव तरीके से देखे ना, बाद में ये कभी ना कहें अरे यार 1,000 रुपए का उनका चैनल लिया था मैंने, प्लान सब्सक्राइब किया था महीने वाला, और उन्होंने तो मेरा 2,00,000 रुपए डुबो दिया। ये वाला मेरा सिद्धांत नहीं है, बट जो कहा जाता है उसे समझिए, मानिए। नुकसान पहले अपना रोकिए, फायदा इसके बाद होता है। नुकसान रुकेगा फायदा होना प्रारंभ, जब तक नुकसान नहीं रुकेगा तब तक फायदा नहीं हो सकता है। ये चीजें आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए, बहुत जीवन पर्यंत काम आएंगे। जेंसार टेक्नोलॉजी, एकदम बिल्कुल भैया, जेंसार को छोटी छोटी टुकड़े में बाई करते रहिए। ये सब लॉन्ग टर्म के शेयर हैं, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये सब हाँ अभी FCS सॉफ्टवेयर से लेने से बेटर है जेंसार ले लीजिए भैया, 20,000 आपके पास है, 10 बार में डाल दीजिए 2,000। अरे कसम नुकसान नहीं करेगा, डूबोएगा अगर तो नहीं ना, 5% रिटर्न देगा मान लेते हैं हम, 10 ही देगा, देगा ना। कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है ना, इसका फंडामेंटल देख दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूं अभी, जेंसार का देख लीजिए, पहले रिटर्न नहीं, इसका ROC ROE ही आपको तगड़ा मिलेगा। कंपनी परमानेंट ग्रोथ कर रही है, 900 किससे धंधा 1200 करोड़ हो गया, और केवल 4 साल का धंधा देखा जाए तो 21, 22, 23, 24 3700 से बढ़ करके 4800 करोड़ का धंधा कर दी कंपनी। प्रॉफिट जो ये कमा रही थी 300 करोड़, वो 600 करोड़ हो गया, डबल, 4 साल में डबल। जब प्रॉफिट डबल तो शेयर 4 गुना, जाकर के चार्ट पे देखिए इसे, ये नियम है किसी भी शेयर का, प्रॉफिट डबल तो शेयर 4 गुना। ये देखिए शेयर 2023 में था 200 रुपए का, आज है 600 रुपए का। अब आप कहेंगे 4 गुना नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, 2 गुना हुआ ना, और वहां 0 हो गया। ये खासियत है अच्छे कंपनियों का, थोड़ा सा इस पे अपना दिमाग लगाइए, परेशान मत होइए, समझने का सीखने का प्रयत्न करिए।
केवल ट्रेडिंग से यदि पैसा बनता है तो दुनिया भर ट्रेड करके पैसा बना लेती, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। रामदेव अग्रवाल बेवकूफ नहीं है, आशीष कचोलिया और दमानी और वॉरेन बफेट जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा पैसा रखे हैं, वो लोग चाहते तो ट्रेड कर लेते, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। वो ऑपरेटरों के लिए बनाया गया है, बीएससी एनएससी सेबी के लिए बनाया गया है कि उनको चार्जेस मिलेंगे। आप इन सबके चक्कर में मत पड़िए। और मेरा चैनल खास तौर से मिडिल वर्ग और नए लोगों के लिए है, अरबपतियों का हमारे चैनल पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास खरबों रुपए, वो हमारे चैनल पे आकर के क्या करेंगे, वो दो ठो लड़कों को रखेंगे ट्रेड कराएंगे, दिन भर बैठ के फोन कराएंगे इधर उधर। कल छुट्टी नहीं है, निंडालको और नालको में से सिर्फ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। किसी में फ्रेश बाइंग नहीं करना, हिंडालको में तो भूल करके भी टच मत करिएगा, अभी अभी मत करिएगा। कंपनी बेहतरीन है लेकिन अभी मत करिएगा, नहीं तो फंसेंगे लंबा। कंपनी हाँ, एसआईपी करना हो तो हिंडालको में कर सकते हैं, मतलब एसआईपी आपको करना हो तो करिए, लेकिन ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, मिड टर्म ट्रेड नहीं, ये नहीं करना। लाइक वाइक का बटन आप लोग दबाते रहिए कि केवल कथा ही सुनेंगे, कथा के साथ साथ कभी कभी जय बोल दिया करिए। नालको और नए लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पुराने लोग चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और नए लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे भाई, शेयर कर देंगे तो वो हमारे ऊपर दाल में घी जैसा काम करेगा, और पुराने लोग केवल दाल ही खिला दे उतने बहुत है, मतलब लाइक ही कर दें कम से कम। नालको से भी दूर रही, कौन पूछ रहा है ये, सुमित कुमार, आज लग रहा है मूड में आप आ गए हैं एकदम, मतलब वही शेयर आप पूछेंगे जो कि गिरने वाला, बिल्कुल दूर रहिए सुमित भैया, नालको से दूर रहिए, हिंडालको से। हिंदुस्तान कॉपर तुरंत सेल करिए 50%, हिंदुस्तान कॉपर तुरंत करंट प्राइस पे 50% सेल, मिनिमम 50%, आपका मन हो तो 70 तक कर सकते हैं, 30% होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 50 से कम सेल मत करिएगा, बाद में आकर के ये मत कहिएगा कि सर बड़ा गलती हो गया। कोफोर्ज हाँ, क्वारी आप लोग नीचे डालते रहिए वन बाय वन, मैं धीरे धीरे लेता चलूंगा, और हाँ लाइक वाइक का बटन बगल में ही होगा चाहे ऊपर होगा कहीं, दबाते रहिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा बता ही दिया हूँ। ये कौन है, कोफोर्ज कौन पूछा है, शशांक, ओहो आप तो फंस गए हैं कोफोर्ज में शशांक भाई, ये कौन आपको बताया था कोफोर्ज में इस टाइम पे बाय करने के लिए। यही कहा जाता है कि अब क्या मैं कहूं, शशांक जी बताइए पहले आप, कोफोर्ज ने कोफोर्ज में आप बाई क्यों किए, ये इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं काम करता है गौरव भैया, ये इंडिकेटर बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो केवल गाड़ी चलाने में इंडिकेटर का प्रयोग आता है, ये शेयर मार्केट है, यहाँ केवल दिमाग काम करेगा और आपका अनुभव। 500 इंडिकेटर लगाएंगे 5,00,000 रुपए देंगे। तो मैं आपको क्यों झूठा मैं दिलासा क्यों दे दूं, यही बात है, ये सपोर्ट पे लग रहा था, कहां सपोर्ट है इसका आप बताइए शशांक भैया, थोड़ा हम लोग भी जाने। अरे यार सपोर्ट के नीचे ये चल रहा है, बाई करने के लिए कौन कहा था आपसे, फंस गए हैं इसमें बेतुके तरीके से। वेट करिए, एवरेज मत करिएगा, यही आपको मेरी सजेशन है मेरा, एवरेजिंग भूल करके भी मत करिएगा कोफोर्ज में अभी। एवरेज कब करना है वो बताया जाएगा उचित संसाधनों के द्वारा आपको। हाँ हाँ, उसके लिए आपको शुल्क नहीं देना होगा, ये मत परेशान हुई कि नहीं कोई कॉल वॉल जाएगी आपके पास या कहा जाएगा कि स्पेशल चैनल में ज्वाइन करने के लिए 5,000 का प्लान ले लीजिए, ये आपको नहीं करना है। हाँ लेकिन जुड़े रहना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सीखना है, यही करना होगा।
और कोफोर्ज में अभी आप एवरेजिंग मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, वन साइडेड गिरावट है। अब जो भी आपको सजेशन दिया हो भाई, कोई ना कोई रहा होगा, ऐसे शेयरों में बाई नहीं किया जाता इस प्रकार के। ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है, ये इस प्रकार के शेयरों में जब बाई करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा ना, फायदा नहीं होगा। तो प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा समझिए, सीखिए, यही मैं चाहता हूं। और कोई चीज ना समझ में आए उसे आप 10 बार पूछिए, ऐसा यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार के बाद दोबारा नहीं पूछेंगे। मैं 10 मिनट का भी सेशन करता हूँ और 2 घंटे का भी करता हूँ, क्वारी के ऊपर मेरा सेशन डिपेंड करता है। कोई यह नहीं कह सकता कि मेरी क्वारी सर आप नहीं लिए और चले गए, भले से मैं 1 घंटे के बाद जाऊंगा वो अलग बात है। हाँ लेकिन ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे मुश्किल है, मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ वो थोड़ा ट्रैप हो गया आप तो, देन अब मैं क्या कहूँ, फिलहाल आप होल्ड करिए इसे और एवरेजिंग मत करिएगा, बस इतना ही आपको फिलहाल के लिए सब सजेशन है मेरा। फ्यूचर के लिए जब कोई इसमें संभावनाएं बनेंगी देन आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। यदि एवरेजिंग करने की संभावनाएं होंगी तो एवरेजिंग करने के लिए बताया जाएगा, नहीं होल्ड होगा केवल तो होल्ड रही है और क्या, घबराइए मत। कंपनी अच्छी है, समय आपने गलत चूज कर लिया है और आपने एक ही बार में कई हजार क्वांटिटी, कई सौ क्वांटिटी बाई कर लिया, ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो थोड़ा परेशान मत होइए, घबराइए मत, आपका ये प्राइस देगा लेकिन समय लगाएगा। हाँ हाँ हिंडाल्को नालको से तो दूर रहिए, हिंडाल्को यदि गिरता है तो बाई करिएगा, छोटी छोटी टुकड़े में बाई करिएगा। बहुत जैसे कहा नहीं जाता है कि अचानक से कहीं दिन एक थाली की जगह 4 थाली मत खा लीजिएगा, आराम आराम से जितना खा रहे हैं उतना खाइएगा, धीरे धीरे खाइएगा। धन लक्ष्मी बैंक, राहुल मल्होत्रा। राहुल भैया आप धनलक्ष्मी बैंक क्यों लेना चाहते हैं थोड़ा सा बताइए। मैं धन लिख दिया गया है आगे इस वजह से या कोई विशेष कारण? और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें और लाइक वाइक करते रहें, शेयर करते रहें। राहुल जी बताइए धनलक्ष्मी बैंक आपको क्यों पसंद आया, इसमें ऐसा क्या लगा कि आपको बाय करने का मन करने लगा? प्राइस देख करके या फिर धन देख करके? आवाज नहीं जा रही है कि लग रहा है राहुल जी चले गए तो हाँ नमस्ते रोजगार यात्रा जी, आपको भी कैसे हैं आप? राहुल मल्होत्रा जी बताइए, थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बता रहा हूँ पावर मैक पहले ही मैं बता रहा हूँ, इससे दूर रहिए, और डिटेल मैं बता रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और जो जो लोग लाइक का बटन नहीं दबाया दबा दें। राहुल मल्होत्रा जी धन लक्ष्मी बैंक शॉर्टकट में आपको ही बताऊंगा, आप हैं ही नहीं तो थोड़ा सा लॉन्ग में बताता। सभी लोग यह ध्यान दें धन लक्ष्मी बैंक से दूर रहें, अन्यथा धन गंवा बैठेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और राहुल जी रहते तो थोड़ा इस पे विस्तार से चर्चा की जाती, लेकिन राहुल जी नहीं है इस वजह से इतना ही कहा जाएगा कि धन लक्ष्मी बैंक में धन न लगाएं। NHPC रीज 98 ओके। नहीं रुपेश ब्लॉग जी एकदम कुछ नहीं करना है, ये बहुत बड़ी लाइन खींची गई है लक्ष्मण रेखा 100 रुपए की। जब तक 100 रुपए के ऊपर
नहीं जाएगा एनएचपीसी तब तक कुछ भी नहीं करना है, शांति के साथ बैठे रहिए केवल, और कुछ भी मत करिए, जितना घबराएंगे उतना गड़बड़ी करेंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, घबराइए मत। जब ऊपर निकलेगा बिल्कुल बाय किया जाएगा, नहीं निकलेगा नहीं बाय किया जाएगा, वेट किया जाएगा, समय दीजिए बस। आपने टॉप पे बाय किया है ना, इसलिए पावर मैक पावर मैक से फिलहाल दूर रहिए। 4400 के लेवल पे जब आया था उसी टाइम पे आपको बाई करना चाहिए था, अभी बाई मत करिए, बस इतना ही आपको सजेशन है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओवर सोल्ड है, अरे ओवर बॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा भाग गया है। तो इसमें ट्रेडिंग करने के लिहाज से मत घुसिए, नहीं तो फंस सकते हैं। और जब ये नीचे आता है 4000-3000-3200 तक, तब आप इसमें एंट्री करिएगा, उसके पहले नहीं, बाकी आपकी मर्जी। एनएनसी इंडिया न्यू बाई अभी नहीं, 240 के बाद, एनएलसी इंडिया 240 के बाद, उसके पहले नहीं। हाँ, प्रसिस्टेंट सिस्टम जिन्हें बाई करना है वो लोग शांति के साथ धीरे धीरे एसआईपी अपनी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 2-3 साल का व्यू लेकर के, शॉर्ट टर्म के लिए प्रसिस्टेंट सिस्टम में मत घुसिएगा, अभी थोड़ा नजरिया लंबा रखिएगा, कम से कम 2 साल। PSU बैंक एंड रेलवे में मेरा एक ही व्यू है कि जब तक सरकार है तब तक सब कुछ सही है, सरकार कहीं बदली तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए उतना ही निवेश करिए रेलवे और PSU में जितना कि लोअर सर्किट लगने पे आपको दर्द कम हो। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताएं, और चैनल को लाइक वाइक कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पुराने लोग शेयर वेयर कर दिया करें। रिलायंस में जिन्हें स्विंग ट्रेड लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। डबल हो जाएगा, गजब हालत है आपका, ये मैं कैसे बता दूं कि डबल होगा कि नहीं।
अरे नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ, प्रसिस्टेंट सिस्टम इतना बता दूंगा कि कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, फंडामेंटल सही है, ये सब सही है, और डबल होगा कि नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा ना। और इसमें SIP करिएगा, बहुत एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी लेकर के बाई करिएगा, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो थोड़ा जल्दी से पूछ ले, वरना मैं सेशन क्लोज करूंगा, ऑलरेडी 11:15 हो गए हैं। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जो भी प्रश्न रहे उन्हें बिल्कुल आप लोग 2-3 बार पूछ सकते हैं, न समझ में आने पे परेशान करने के लिए नहीं। और इस समय थोड़ा सा ध्यान यह रहे कि ओवर ट्रेड ना करें, अन्यथा ओवर ट्रेडिंग में होगा क्या कि नुकसान बढ़ सकता है, तो ओवर ट्रेडिंग से थोड़ा सा बचे रहिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये कौन सा है, थोड़ा सा शेयर का नाम फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। केम प्लास्ट है कि क्या है? केम प्लास्ट है कि कौन सा शेयर है? आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ हाँ केम प्लास्ट, हाँ तो अभी कुछ मत करिए केम प्लास्ट में, अभी कुछ भी नहीं करना है केम प्लास्ट में, बस देखते रहिए, जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा, घबराइए मत। और पहले से है तो होल्ड करिए। तो केम प्लास्ट से दूर रहिए, और केम प्लास्ट से अभी दूर रहिए, जब कुछ इसमें अच्छा होता है तब बताया जाएगा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक वाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे से बिल्कुल दूर रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, और हाँ ओवर ट्रेडिंग फिलहाल मत करिए।